हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर मैथ्स फ्रेंड दीपिका एंड यू आर वाचिंग माय चैनल नेम्ड मैथ्स विद आर्ना। कंटिन्यूइंग आर टॉपिक एंड विदाउट वेस्टिंग आर टाइम, हम यस्टरडे अपनी वीडियोस में सर्कल पढ़ रहे थे और सर्कल की हम एक्सरसाइज 10.1 कर चुके थे और काफ़ी थ्योरम कर चुके थे। अब हम अपनी जगह एक्सरसाइज 10.2 करते हैं और ये बहुत ईजी। हमने वो जो थ्योरम पढ़ी थी ना 10.1 एंड 10.2, वो ही है सेम, बस उसमें से एक ही सर्कल में टू कोर्ड्स थी, इसमें दो कॉन्ग्यूरेंट सर्कल में दो कोर्ड्स है। और कॉन्ग्यूरेंट का मतलब क्या, कितने भी सर्कल है उन्हें कॉन्ग्यूरेंट कब कहेंगे, जब वो सेम रेडियस के होंगे। ठीक है, जैसे ट्राइंगल को कॉन्ग्यूरेंट कब कहते हैं, जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है। ऐसे सर्कल को कॉन्ग्यूरेंट कब कहते हैं, जब उनकी जो है रेडियस इक्वल होती है। तो हमें क्या गिवन है कि कॉन्ग्यूरेंट सर्कल की जो कोर्ड्स है ना वो इक्वल है, ए बी और सी डी हमें इक्वल गिवन है। प्रूव करना है ये इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं सेंटर पर, ए ओ बी इक्वल प्रूव करना है सी ओ डी के। बहुत इजी है, अपना हर बार वाला काम करेंगे। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी ले लेंगे। देखो भाई, ओ ए इक्वल ओ डैश डी, ठीक है, क्या कहेंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, और ओ बी इक्वल होगी ओ डैश डी के। देखो ओ बी इक्वल होगी ओ डैश डी के, ये भी क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और हमारा ए बी इक्वल है सी डी के, गिवन है। कितना इजी था, देखो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्यूरेंट हो गया ट्राइंगल सी ओ डैश डी के बाय साइड कॉन्ग्यूरेंसी। और सी पी सी टी से क्या कहेंगे, एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल सी ओ डैश डी के बाय सी पी सी टी, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। सेम हमारी इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू है, उसमें बस सेम है, जैसे थ्योरम थी ना 10.2। अब की बार हमें सेंटर पे दो कॉन्ग्यूरेंट सर्कल के सेंटर पे, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर टू है एक्सरसाइज 10.2 का। इसमें कहा है कि अब की बार जो है ना, जो ये कोर्ड्स हैं कॉन्ग्यूरेंट सर्कल की, ये सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती है। ए ओ बी इक्वल दिया हुआ है सी ओ डैश डी के। अब की बार बस मुझे क्या प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल होंगी सी डी के। भाई इसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल ले लेंगे ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी। देखो वही सेम, इसमें क्या होगा, ओ ए तो इक्वल होगा ओ डैश सी के, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्यूरेंट सर्कल, ठीक है, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्यूरेंट सर्कल। एंगल ए ओ बी कॉन्ग्यूरेंट क्यों, इक्वल एंगल है ये, ए ओ बी इक्वल होगा सी ओ डैश डी के। अब की बार ये हमें क्या है, गिवन। एंड ओ बी इक्वल होगी ओ डैश डी के, ये भी क्या है, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्यूरेंट सर्कल। तो अब हमारा देखो सीपीसीटी, अब हमारा ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी ओ डैश डी के बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्यूरेंसी। तुम्हें ऐसे लग रहा होगा ये मैंने जल्दी जल्दी कर दिया है, क्योंकि मैंने ना अपनी थ्योरम 10.1 और 10.2 बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, जिसको ऐसे लग रहा हो ये मैंने बहुत स्पीडली कर दिया है, तो वो मेरी ना वीडियो देख सकता है, ठीक है, थ्योरम 10.1 एंड 10.2। और ए भी इक्वल हो जाएगी सी डी के बाय सी पी सी टी, एच ई एन सी, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन।